अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद पाकिस्तान अफगान सीमा ड्यूरेंट लाइन पर हालात बहुत ही तनावपूर्ण बने हुए हैं। पाकिस्तानी सैनिक अक्सर अफगान इलाके में बाड़ लगाने की कोशिश करते हैं। तालिबान की सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच कई बार भीषण गोलाबारी भी हो चुकी है। अब एक ताज़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एक तालिबानी कमांडर भारतीयों का जिक्र करके पाकिस्तानी सेना को कड़ी चेतावनी दे रहा है। इसी वीडियो में तालिबानी कमांडर पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों से कह रहा है, यदि मैं अमरीकी, चीनी या भारतीयों को लेकर आता हूं और वे सीमा पर लगी बाढ़ के अफगानिस्तान वाले हिस्से में घूमते हैं तो आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की सेना अफगान सीमा में हस्तक्षेप करना बंद करें। हम आपके लिए केवल इसलिए संयम दिखा रहे हैं क्योंकि आप लोग मुसलमान हो, अन्यथा हम आपके साथ उसी तरह से लड़ाई लड़ सकते थे जिस तरह से हमने अमेरिका के खिलाफ लड़ा था। तालिबानी कमांडर ने यह करारा पलटवार ऐसे समय पर किया है जब अभी कुछ दिन पहले ही अफगानिस्तान के पाटकिया प्रांत में पाकिस्तानी सेना और तालिबानी के बीच जोरदार मुठभेड़ हो गई थी। इससे पहले फरवरी में भी कुनार प्रांत में दोनों के पक्षों के सैनिकों के बीच भारी गोलाबारी हुई थी। इस दौरान पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान सेना के कुनार प्रांत के दंगम जिले में गोलाबारी शुरू कर दी थी और तोपों से गोले बरसाए थे। इससे दोनों के बीच हालत बहुत ही तनावपूर्ण हो चुके थे। दरअसल तालिबान राज आने के बाद से ही पाकिस्तानी सेना की कोशिश है कि किसी तरह से ड्यूरेंट लाइन पर बाड़ लगाने का काम पूरा कर लिया जाए। पाकिस्तानी सेना ने तालिबान को सत्ता में लाने के लिए अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने उम्मीद की थी कि तालिबान इसका विरोध नहीं करेंगे, हालांकि हुआ इसका उल्टा ही। तालिबान सेना इसका कड़ा विरोध कर रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2640 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है और ड्यूरल लाइन में इसे विभाजित करती है। पाकिस्तानी सेना के बढ़ते हस्तापेक्ष के बाद तालिबान भी अपनी सेना को बढ़ाकर 110,000 करने जा रहा है। पिछले दिनों तालिबान ने कई घातक हथियारों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया था और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था।